बिरयानी राइस बनाने के वास्ते, वो बासमती राइस चावल बनाने के वास्ते पहले थोड़ा वो पानी पानी में थोड़ा सा नमक डालना पहले, ज़्यादा नहीं, और पूरा मसाला फ्रेश, ये बे लीफ है और पत्थर का फूल और दालचीनी, लवंग, साजीरा और ब्लैक पेपर और स्टार एनीस और इलायची, सब इसमें डाल लेंगे। और ये बी लीफ ये फ्रेश है, तो अभी अभी मैं जाड़ों से निकाले, थोड़ दी ऐसे थोड़ के डाले तो इसमें फ्लेवर इसमें आ जाता। और ये मिंट लीव है, पुदीना, थोड़ा तो पास लीव, एक कोथमीर, ये बॉइल होने के बाद और एक भिगो के रखे हैं चावल, ये 15 मिनट होने के बाद इसमें, ये वो 15 मिनट से भिगो के रखे हैं, ये इसमें डालेंगे। तो और इसमें थोड़ा बिरयानी मसाला पाउडर, ये सुपर मार्केट में कहीं पर मिलते, आपको एक टीस्पून डाले तो बस होता। पूरा पानी निकाल के वो बॉइल हो रहे पानी में, ये 2 ग्लास राइस है ये पूरा, देश ना पूरा 80% पक गया और 20% पकने का है, और इसमें से पूरा निकाल के चावल ऐसी वैसे, और एक भगोनी पे लेके थोड़ा घी नहीं तो बटर जो भी डाल सकते हैं, नहीं तो भी ऑयल ऑयल डाल सकते। और ऊपर से थोड़ा पानी, पानी डाल के पूरा ऐसा लेवल करे तो पूरा अच्छा पक जाता। और 3 मिनट ज़्यादा तेज आंच पर पकने के होने के बाद सिम करके देना बस। आठ मिनट होने के बाद और 5 मिनट वैसे लगा रखना, वो स्टोव ऑफ करने के बाद 5 मिनट वैसे रखे तो पूरा अंदर ही अंदर पक जाता, अच्छा बनता। और ऐसा देखिए, ऐसा फूल एक एक चावल ऐसा ऐसा निकल जाता, देखिए। देखिए पूरा
जैसा एक एक चावल, ये आप चिकन मटन जो भी है वो वेजिटेबल नॉन वेजिटेरियन जो भी है इसके साथ खा सकते हैं। और पूरा ये बिरयानी राइस जैसा होटल में मिलते हैं ना अपन को, ऐसे सेम